बढ़ते बिजली के बिल और ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल पाटन में बढ़ते बिजली के बिल, जले ट्रांसफार्मर को लेकर कांग्रेसियों की तरफ से पाटन स्थित बिजली कार्यालय का घेराव किया गया है। ये प्रदर्शन बरगी विधायक संजय यादव के नेतृत्व में किया गया है। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल, ग्रामीण और पूर्व विधायक सुनील जैन भी मौजूद रहे, जहां बिजली विभाग के खिलाफ सभी ने जमकर हंगामा किया है। युवा कांग्रेस ब्लॉक, कांग्रेस सैपरा ब्लॉक की कांग्रेस बेलखेड़ा, हमारे समस्त वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में सैपरा और बेलखेड़ा में व्याप्त बिजली की समस्याएं, लोगों के यहाँ दो दो साल से लाइटें बंद हैं, गांव की लाइटें बंद हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं, वहाँ बैठे डी बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को पैसे की मांग करते हैं। इसको लेकर जब मैं घर घर चलो अभियान के तहत प्रत्येक गांव गया था, खासकर बेलखेड़ा क्षेत्र का, वो जो चौबीसा कहलाता उन गरीबों के पास गया था, तो वो खून के आंसू रो रहे थे, किसान रो रहे थे कि किसानों के यहाँ फसल सूख रही है, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर उठा लेते हैं। वो ट्रांसफार्मर हर 15 दिन में क्यों ख़राब हो जाता है? इसकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर तो 1 साल 2 साल चलना चाहिए। 50-50 हज़ार लोगों के बिजली के बिल, गरीबों के 40-40 हज़ार, कोरोना के जो बिल माफ़ किए थे वो भेज दिए आपने। विधायक ने कहा कि हमारी मांगे है कि एक हफ्ते के अंदर सीवर लगाकर बिजली बिल को कम करें और खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाए। साथ ही कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम नहीं हटेंगे। इस दौरान डीई नीरज कुचिया ने 3 दिन के अंदर इलाके के सभी ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा कि जिन ग्रामीणों के बड़े हुए बिल आए हैं उनकी बारीकी से जांच कराई जाएगी, जिसके बाद ही बिलों के दामों को कम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग कब जनता की समस्याओं को सुलझाता है। समाचार प्लस के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।